नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। हरियाणा के नूह में हिंसा के दौरान मरे पानीपत के युवक अभिषेक का बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। युवक को अंतिम विदाई देने के लिए भीड़ उमड़ी। इस दौरान जय श्री राम और अभिषेक अमर रहे के नारे लगे। अंतिम विदाई में करनाल के सांसद संजय भाटिया और पानीपत के विधायक महीपाल डांडा और प्रमोद विज के साथ हरियाणा गौरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष आजाद सिंह भी पहुंचे थे। इससे पहले सुबह सिविल अस्पताल के CMO ऑफिस में सांसद DC डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया और SP अजीत सिंह शेखावत की परिवार और हिंदू संगठनों के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक वार्ता चली। इसी बीच विधायक महीपाल डांडा ने परिवार की मांगों पर CM से बात की। वार्ता के बाद मृतक के पिता सतपाल ने कहा कि हमने प्रशासन के सामने 5 मांगे रखी थी। इन सभी मांगों को प्रशासन ने मान लिया है। इस आश्वासन पर हमने शव को उठाया। वहीं सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कोई मांग नहीं थी। सरकार इस हिंसा में मरे लोगों के परिवारों को एक समान सहायता देगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज पानीपत के बाजार बंद है। दरअसल परिषद के जिला मंत्री पुनीत बत्रा ने समोली रोड स्थित काशीगिरी मंदिर में एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने पानीपत बंद का आह्वान किया था। इस आह्वान में पानीपत संयुक्त व्यापार मंडल समिति के प्रधान राजेश सूरी और संयुक्त व्यापारी मंडल के प्रधान दर्शन लाल वधवा ने अपने अपने दायरे में आने वाले बाजारों को बंद रखने के फैसले का समर्थन किया। इधर आर्य कॉलेज के सभागृह में होने वाला व्यापार मंडल सम्मेलन भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा नगर निगम की हाउस मीटिंग भी रद्द कर दी गई। अधिकांश स्कूलों ने भी छुट्टी का ऐलान किया है। इसके अलावा बार एसोसिएशन में भी वर्क सस्पेंड किया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।